समाजीकरण क्या है? समाज से हम लोग जो भी कुछ सीखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं समाजीकरण। चाहे हम लोग समाज से खाने के लिए सीखें, चाहे समाज से हम लोग बात बोलने के लिए सीखें, या तो फिर अपना कोई भी संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, बोली चाली, जो भी कुछ हम लोग समाज से सीखते हैं उसी को कहते हैं समाजीकरण। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देंगे, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, बीसी सेंटर यूट्यूब चैनल, यानी कि आपका अपने YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होता है, सब का सब आसान ही भाषा में होता है, ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, समाजीकरण की परिभाषा दें, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। अगर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे देता है कि समाजीकरण की परिभाषा दें, इसके विशेषताओं का वर्णन करें, तो मैंने इसमें विशेषता भी आपको थोड़ा सा बता दिया शॉर्टकट में, आप बहुत ही लंबा करके भी उसको आप लिख लोगे, ठीक है। और इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि आपको रटना पड़े, बस एक बार वीडियो को सुन लेना या तो फिर देख लेना है, आप 100% एग्जाम में जितना पेज मर्जी उतना आप भर के आओगे, ठीक है। तो समाजीकरण, तो देखिए दोस्तों, इस पूरे आंसर में आपको समाजीकरण समाजीकरण मिलेगा। तो समाजीकरण का मतलब खोपड़ी में सेट कर लीजिए कि समाज से जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं ना, उसी को कहते हैं समाजीकरण, ठीक है। चाहे हम समाज से रीति रिवाज सीखें, चाहे तो हम कोई भाषा बोलने के लिए सीखें, चाहे अपना संस्कृति सीखें, जो भी कुछ समाज से सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, समाजीकरण होता है। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समाजीकरण का अर्थ। कोई भी चीज़ का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, फिर परिभाषा। तो लोगों के आपसी संबंधों को समाज की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी जो लोग आपस में संबंध बन के रहते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं, वो समाज की संज्ञा दिया गया, यानी कि उसको समाज कहा गया, ठीक है। और प्रत्येक समाज के कुछ नियम, मान्यता, परंपराएं, सिद्धांत आदि होते हैं, मतलब हर एक समाज के कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। और समाज के सभी सदस्यों उनका पालन करना पड़ता है, समाज के सभी सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है, तथा उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है, और उसी के अनुसार से चलना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने समाज के इन नियमों और सिद्धांतों आदि को मानता है, उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति अपने समाज के नियम और सिद्धांतों को मान करके चलता है, उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। और व्यक्तियों को सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समाज। और हर एक समाज का अपना एक नियम कानून सिद्धांत होता है, और जो भी व्यक्ति उस नियम कानून सिद्धांत को मानता है ना, उसको कहते हैं सामाजिक प्राणी, वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। जैसे ही हम आदमी, हम या तो फिर आप समाज के बातों को मानना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। और ये जो हम सामाजिक प्राणी बने ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक प्राणी हम कैसे बने, तो समाज के नियम को पालन करके, समाज का जो सिद्धांत है, समाज का नियम कानून है, वो सभी को हम पालन करना शुरू कर दिए, तो हम बन गए सामाजिक प्राणी। और जो हम पालन करना शुरू किए ना, और हम सामाजिक प्राणी बने ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समाजीकरण। मतलब ये है दोस्तों कि समाज के नियमों और सिद्धांतों को मानना ही क्या है, समाजीकरण है, ठीक है। हम नियमों और सिद्धांतों को क्या करते हैं, मानते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, जो हम सामाजिक प्राणी बने, समाज के नियम कानून को माने, जिससे समाज का क्या होगा, विकास होगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समाजीकरण। अगर कोई व्यक्ति है और वो समाज के नियम और कानून को नहीं मान रहा है, तो ना तो वो समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, ना ही तो वो सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले समाज में नियम कानून है, उस नियम कानून को हम मानते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, समाजीकरण कहते हैं हम लोग। जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, हम मान रहे हैं तो हम समाजीकरण कहलाएंगे। चलिए ये हो गया, अब इसका कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी, यानी कि एक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है, वह सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। यानी कि समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है, एक व्यक्ति में समाज के अंदर जितने सारे गुण हैं वो सब विकसित होता है, और सामाजिक प्राणी भी बनता है, ठीक है। हम समाज के हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो समाज के गुण जो है ना, वो मेरे अंदर विकास होगा, और हम सामाजिक प्राणी कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समाज के हर एक गुण को क्या करते हैं, सीखते हैं। समाज के से जो भी कुछ सीखते हैं उसी को तो हम लोग समाजीकरण कहते हैं ना, चाहे खाने के लिए सीखे, चाहे पीने के लिए सीखे, चाहे रहने के लिए सीखे, चाहे बोलने के लिए सीखे, वही तो हमारा समाजीकरण है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट में मैंने जो पॉइंट लिखा वही पॉइंट आप लिखोगे, आप
एग्जाम में जाओगे तो भूल भी सकते हो ये सब पॉइंट को, तो आपको अपने से भी पॉइंट डालना है यहाँ पे। बस आप समझ गए ना कि जो भी कुछ हम लोग समाज से सीखते हैं समाजीकरण है, तो समाज में हम लोग रहते हैं और उसके हर एक अर्थ को हम लोग समझते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, वो हमारा समाजीकरण है। ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हो, समाजीकरण में हम लोग रह करके उसके साथ घुल मिल जाते हैं और वो अपने जीवन तक हम उस चीज़ों को क्या करते चलते हैं, मानते चलते हैं, ये भी हमारा समाजीकरण है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक नियमों के अनुसार, जो समाज में नियम है उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। जैसा समाज में नियम कानून होता है उसी के अनुकूल हम लोग भी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। सामाजिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, जो समाज का मान्यता है नियम कानून उसमें हम लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल सही है, तथा अपने आप को समाज का एक हिस्सा बना लेते हैं कि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, समाज के लिए हम हर एक काम को करेंगे और समाज का बात को भी हम मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक आदत को, विश्वास को, रीति रिवाज आदि को सीखता है। वही बात है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एक समाज का आदत यानी जो समाज में आदत लगा हुआ है वो हम लोग सीखते हैं, समाज का जो विश्वास है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उस चीज़ को हम अपने जीवन में सीखते हैं। तो आप चार पॉइंट हम मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चार भी लिख सकते हैं, पांच भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप उसके बारे में कुछ समझो पॉइंट अपने से लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे समाजीकरण की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वान लोग, जो पहले के बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिसके पास ज़्यादा ज्ञानी थे वो, उन लोगों ने समाजीकरण का अलग अलग तरीक़े से परिभाषा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन परिभाषा दी है, कम से कम आप एग्जाम में दो तक जरूर लिखें, ठीक है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समाजीकरण की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं। तो पहला व्यक्ति यानी कि पहला जो विद्वान थे वो कौन थे, फीचर। तो देखते हैं कि फीचर ने समाजीकरण की परिभाषा किस प्रकार से दी है। हम आपको बोलेंगे समाजीकरण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि समाज से जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं, चाहे वहाँ का संस्कृति हो गया, रीति रिवाज हो गया, ये हमारा क्या है, समाजीकरण है। ऐसे ही पहले के विद्वान लोग भी इसके बारे में कुछ ना कुछ क्या किए, इसका परिभाषा देकर के चले गए। तो पहला है फीचर विद्वान जी, ठीक है। तो इसके अनुसार से समाजीकरण वह प्रक्रिया, इनका कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, यानी कि समाज में जिस प्रकार के समाज हमें व्यवहार देता है उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाते हैं, यानी कि सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करते हैं, जैसे समाज हमें बोलता है वैसे हम करते हैं, उसके साथ अनुकूल करते हैं, मतलब समाज के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुक के अनुसार, इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया परिणाम यह होता है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है। मतलब बालक क्या करता है, समाज के दायित्व को, कि समाज में क्या क्या दायित्व है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें सीखना है, उस चीज़ों को बच्चा क्या करता है, ग्रहण करता है अपने अंदर, तथा समाज के विकास में योग देता है, तथा समाज के विकास में क्या करता है, अपना योगदान देता है, योग देता है, उसको कहते हैं समाजीकरण। ये कहना है कुक के अनुसार। तीसरा है न्यू मेयर के अनुसार, तो ये विद्वान जी का कहना है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होना, मतलब हम एक व्यक्ति हैं अभी, हम कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जैसे ही सामाजिक प्राणी में बदल जाएंगे वैसे ही हम समाजीकरण कहलाएंगे। सामाजिक प्राणी हम कब कहलाएंगे, जब समाज के हर एक नियम को फॉलो करेंगे तो हम सामाजिक प्राणी कहलाएंगे, और वही हम सामाजिक प्राणी क्या बन जाएंगे, समाजीकरण हो जाएंगे। समझ गए, हम सामाजिक प्राणी तभी बनेंगे जब समाज के नियमों को फॉलो करेंगे, उसी को समाजीकरण कहा जाता है। तो ये तीन विद्वान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया इनका परिभाषा। अब देखेंगे कि ये जो तीनों परिभाषा दी हैं इससे हम क्या इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, मतलब जो ऊपर हमने तीन अभी परिभाषा दिया इससे स्पष्ट है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। जो हम लोग समाज से सीखते हैं वही हमारा समाजीकरण है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, कहाँ से, समाज से, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को ग्रहण करता है, मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, समाज की जो सांस्कृतिक है, रीति रिवाज है, उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तथा अपने आप खुद को विकास करता है। व्यक्तित्व मतलब अपने खुद के जीवन को विकास करता है समाज से नियम कानून को ग्रहण करके, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, अब देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। समाजीकरण लिखित विशेषताएं हैं, आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा अगर एक्सप्लेन करोगे तो।
अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, नहीं तो अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा, ठीक है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ जानते हैं, लेकिन समय को भी देखना है आपको, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित विशेषता है, पहला समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, समाजीकरण से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। आप चाहो तो इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हो, सपोज कीजिए कि अगर गलती से विशेषताएँ आ गया तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है हेडिंग बना करके, ठीक है। पहले हेडिंग लिखना समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, और आगे लिख देना है समाजीकरण से व्यक्ति संस्कृति रीति रिवाज को अपने जीवन में क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, और उसी के अनुसार से फिर वो आगे चलता है। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया, ये हमेशा चलते रहता है, ये हमें जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक चलते रहता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तब भी समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बुढ़ापे तक भी हम लोग सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट है कि अनुकरण का प्रभाव। अनुकरण का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति से भी कुछ हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अनुकरण करते हैं कि हाँ ये ऐसे चल रहा है तो समाज में इसका नाम हो रहा है तो हम भी ऐसे चलेंगे, तो अनुकरण करके भी सीखते हैं, ठीक है, यानी कि अनुकरण मतलब देख करके भी, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति का हस्तांतरण। इसमें क्या होता है कि संस्कृति का हस्तांतरण होता है, जैसे हम अभी हमारे समाज में जो संस्कृति रीति रिवाज चल रहा है, फिर हमारे बेटे आएंगे तो उसके अंदर फिर हमारा संस्कृति रीति रिवाज हस्तांतरण हो जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे, फिर उसके जो बेटी बेटा होंगे उसके अंदर चले जाएंगे, तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चल जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग हस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट आजीवन की प्रक्रिया, ये आजीवन भर चलने वाला प्रक्रिया, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार को नियंत्रण, ठीक है, यह क्या करती है, मानव के जीवन को, जो मानव का जीवन का व्यवहार है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, गलत कार्य करने से रोकती है, हमें क्या करना नहीं करना ये हमें समाज बताती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो ये हमारे जीवन को नियंत्रित करके रखती है, हमारे जीवन के व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करके रखती है, ठीक है। तो ये विशेषताएँ हो गया। अब हम लोग देखते हैं समाजीकरण के प्रकार। तो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के समाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम जब बचपन में बाल अवस्था में रहते हैं यानी बचपन की अवस्था में रहते हैं तो कुछ अलग सीखते हैं, बचपन से जैसे बाल अवस्था में जाते हैं कुछ और सीखते हैं, बचपन में रहते हैं तो माँ बाप से सीखते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं स्कूल में सीखते हैं, उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो शादी करते हैं, अपने वाइफ के साथ जीवन गुजारते हैं तब कुछ और सीखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जीवन के उम्र में, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीका से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या है, अब देखिए ये सब पॉइंट को आपको सिर्फ ये लाइन जो है ना प्राथमिक समाजीकरण इसको याद रखना, बाकी जो नीचे मैं एक्सप्लेन किया ना वो आपके पास पढ़ने के लिए, ये आप खुद एक्सप्लेन कर दोगे एक पेज में भी आप कर दोगे, ठीक है, अगर समझ जाओगे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन बस पढ़ लेना है, बाकी आपको याद रखना ये फर्स्ट पॉइंट प्राथमिक समाजीकरण, समाजीकरण के प्रकार का पहला क्या है, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण मतलब प्राथमिक चीज़ हम लोग कहाँ से सीखते हैं, समाजीकरण में हर एक चीज़ सीखने की बात है, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण जो हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं, घर में सीखते हैं, ठीक है। तो यह मनुष्य के समाजीकरण का पहला चरण है जिसका जीवन में विशेष महत्व है। जन्म से लेकर बचपन तक की समाजीकरण प्रक्रिया प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है। जो हम लोग जन्म से लेकर के बचपन तक सीखते हैं, बचपन मतलब घर तक, ठीक है, घर तक जो हम लोग जीते हैं उसको बचपन का जिंदगी कहते हैं, ठीक है। तो जन्म से लेकर के जो बचपन तक हम लोग घर में सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण। इस अवधि में बच्चों को भाषा ज्ञान दिया जाता है, व्यवहार सिखाया जाता है कि ऐसे बात करना है ऐसे बात करना है। समाजीकरण का यह चरण परिवार में ही संपन्न हो जाता है, मतलब परिवार में ही हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। इस अवधि में अबोध बालक अपने परिवार तथा परिवेश से भाषा की जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा आरंभिक व्यवहार सीखता है तथा वहीं से उसका जीवन आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो मतलब प्राथमिक समाजीकरण में हम लोग अपने घर से सीखते हैं, माता पिता से भाषा वगैरह सीखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका दूसरा, द्वितीय चरण का समाजीकरण। अब पहला चरण हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा चरण, तो अब हम लोग अभी तक बचपन में थे, अब हम लोग बचपन से थोड़ा सा बड़े यानी कि स्कूल तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो स्कूल तक पहुंच गए तो उसको बोलते हैं बाल अवस्था, ठीक है, सॉरी किशोरी अवस्था, क्या बोलते हैं उसको, किशोरी अवस्था, ठीक है। तो जब बच्चा बचपन की दहलीज लांग कर, यानी कि जब बचपन से लांग करके जो घर में जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको लांग करके जब वो पहुंचता है तो उसको किशोरावस्था में प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है। तब उसके समाजीकरण का दूसरा चरण शुरू हो जाता है, पहला बचपन तक घर में, दूसरा चरण किशोरावस्था में, तो वो हो जाता है दूसरा चरण उसका, ठीक है। इस चरण के दौरान समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के साथ साथ विद्यालय तथा मित्रों समूह का योगदान का आरंभ हो जाता है। जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है किशोरावस्था को, वैसे उसका घर वाले तो उसको रीति रिवाज सिखाते ही सिखाते हैं, उसके बाद वो बाहर जब निकलते तो अपने दोस्तों से, अपने स्कूलों से, अपने ट्यूशन टीचर से भी क्या करते हैं, सीखना आरंभ कर देते हैं, ठीक है।
विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक संपर्क होते हैं। अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोग से संपर्क होते हैं और वो अलग अलग तरीके से रीति रिवाज सीखते हैं, जो बच्चों को नैतिक मानदंडों, रीति रिवाज तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांतों की जानकारी देने में योगदान करते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार का सांस्कृतिक रीति रिवाज सीखते हैं लोगों से, ठीक है। जब बच्चा संस्थागत व्यवस्था जैसे विद्यालय आदि शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसके समाजीकरण का दूसरा चरण संपन्न हो जाता है। मतलब जैसे ही वो विद्यालय में पढ़ लेता है बच्चा, उसका दूसरा चरण यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरे चरण का समाजीकरण प्रथम चरण के समाजीकरण के साथ साथ चलता है। अब दूसरा जो चरण है ना इसका, वो प्राथमिक चरण के साथ साथ चलता है। मतलब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो फिर घर भी तो आते हैं, तो घर में भी सीख रहे हैं, विद्यालय में भी सीख रहे हैं। तो जो दूसरा चरण चल रहा है ना, वो प्रथम चरण के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंगिक समाजीकरण। लैंगिक समाजीकरण जब हम लोग शादीशुदा हो जाते हैं तब हम लोगों को कैसे साथ रहना है, कैसे संबंध बनाना है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इस चरण तक आते थे बच्चों में विचार प्रक्रिया आकार ग्रहण कर जाती है, ठीक है। मतलब हमारे अंदर बहुत सारा अच्छा अच्छा विचार आ जाता है, हमें एक पैर पर खड़े होने के लायक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर वह लैंगिक भूमिकाओं की जानकारी प्राप्त करता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह के हमें संबंध बनाने हैं, ठीक है, तथा ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है। यह चेतना इसी अवधि में आती है, ठीक है। लैंगिक समाजीकरण जब विद्यालय से हम लोग लांग देता तो इसी उम्र में हम लोगों को ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। ये चेतना इसी अवधि में आती है, ठीक है। लैंगिक चेतना स्त्री पुरुष के रूप में सामाजिक दायित्व का बोध कराती है कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना और कैसे व्यवहार करना है। बच्चों को समझाने तथा उनका मार्गदर्शन करने के बड़ों के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए बड़ों का तरीका भिन्न भिन्न होता है, ताकि हम किस प्रकार से एक स्त्री के साथ और स्त्री मेरे साथ व्यवहार करें, ताकि बच्चे भी उस चीज़ों को सीखे और बच्चे भी उस प्रकार से व्यवहार करें, है ना। जैसे कपड़े पहनने का ढंग हम जैसा पहनेंगे वैसे ही बच्चे पहनेंगे, हेयर स्टाइल जैसा हम करेंगे वैसा बच्चे करेंगे, सज सजा जैसे हम सजेंगे वैसे बच्चा सजेगा। भिन्न भिन्न साधनों से जो स्त्री पुरुष इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन्हें देख देख करके बच्चे स्त्री व पुरुष के अलग अलग तरीकों को समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा है आपका अग्रिम समाजीकरण। अग्रिम समाजीकरण, इस समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों को उन कार्यों से जुड़े लोगों के संपर्क में लाया जाता है जो कार्य वे भविष्य में करना चाहते हैं। इससे उनका कार्य के लिए आसानी से चयन हो जाता है। देखिए, मान लीजिए कि हम डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो डॉक्टरी के लिए हम वैसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो डॉक्टरी के पास, उसके पास ज्ञान हो। तो हम जो भविष्य में करना चाहते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, ताकि वो हमें उसके बारे में कुछ बताए और हमको वो चीज़ करना क्या वो मिल जाए, आसानी मिल जाए। हम लोग 10th क्लास पास करते हैं बोर्ड एग्जाम, तो हम लोग टीचर से मिलते हैं, तो टीचर हमें बताता है तो हमको पढ़ना आसान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अग्रिम समाजीकरण। तो इस प्रकार की जहाँ पर हम लोग ज्ञान लेते हैं ना, उसको बोलते हैं अग्रिम समाजीकरण, ठीक है। इससे कार्य हमारा करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल बन जाता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि माता पिता का अभिभावक प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था में ही बच्चों को उनके भावी कार्यों के बारे में अग्रिम जानकारी दे देते हैं। मतलब ऐसा भी माना गया है ना कि बच्चों को भविष्य में क्या करना है उसका जानकारी दूसरा कोई नहीं, उसका माता पिता भी दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों को डे बोर्डिंग में रखा जाता है, स्कूलों में रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों को आगे जाके कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, उसका टीचर ही बता देते हैं, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, किसमें, अग्रिम समाजीकरण के बारे में, ठीक है। अग्रिम समाजीकरण में यही सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्समाजीकरण, ठीक है। पुनर्समाजीकरण में क्या होता है कि हम लोग पुराने चीज़ों को छोड़ करके नए चीज़ों के बारे में सीखते हैं, ठीक है। पुराने चीज़ों के साथ साथ क्या सीखते हैं, नए चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। देखिए, पुनर्समाजीकरण मनुष्यों को पुराने व्यवहारों तथा भूमिकाओं को त्यागने तथा उनके स्थान पर नई भूमिकाओं का निर्वाह करने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस होती है तब वो पुनर्समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्समाजीकरण उन व्यक्तियों के जीवन में लगातार चलता रहता है जिन्हें अतीत की भूमिकाओं तथा अनुभवों को छोड़ना पड़ता है तथा नए व्यवहारों और मूल्यों को अपनाना पड़ता है। जो व्यक्ति आगे कुछ करना चाहता है उसको पुरानी हर एक चीज़ों को भूलना पड़ता है, पुरानी परंपराओं को भूलना पड़ता है, ठीक है। और वो नए नए विचारों को सीखते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, पुनर्समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वयस्क समाजीकरण। तो जब कोई व्यक्ति वयस्क होने पर नई भूमिकाओं में अपने आप को ढलने के लिए प्रयास करते हैं, कोई नई चीज़ों में वो क्या करते हैं, अपने आप को ढलने का प्रयास करते हैं, तो उसे वयस्क समाजीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पति पत्नी या कर्मचारी का नए कार्यों व भूमिकाओं के अनुसार अपने आप को ढालना वयस्क समाजीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। पति पत्नी या कोई भी कर्मचारी का नए कार्यों, कोई पति पत्नी हो गया चाहे कोई काम करने वाला कर्मचारी हो गया, अगर कोई नए कार्य के अनुसार से एक नए विचार को पैदा कर रहा है ना, तो वयस्क समाजीकरण के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति नए नए व्यवहारों तथा विचारों को अपने जीवन में शामिल करते रहते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती रहती है। आज हम यहाँ पे नए विचार आ रहे हैं मेरे अंतर्गत, हो सकता है कल ये मेरा नया विचार जो आज आ रहा है वो कल होकर के पुराना विचार बन जाए, फिर मेरे मन में नया विचार आ जाए,
कि चलो आज रूटीन बनाते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, और वो 4 दिन चला रूटीन खत्म हो गया तो फिर से नया विचार आएगा। तो ये हमारा आ जाता है व्यस्क समाजीकरण के अंतर्गत, ठीक है। खाली हम लोग व्यस्त होते रहेंगे इसी काम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।